देशवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 6 साल पूरा हो रहा है, लेकिन इस साल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि हम कहीं भी बाहर जाके योग नहीं कर सकते। सब अपने अपने घरों में ही योग कर सकते हैं। अपने परिवार वालों को अपने साथ करवाइए, या फिर अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप छत पे जाके सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक साथ योग कर सकते हैं। तो अभी हम जितने भी आज योग करेंगे, जो भी मैं आपको आसन करके बताऊंगी कैसे ये आसन किया जाता है, उसका लाभ सीधे हमारे इम्यूनिटी पे पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सारा ध्यान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे ही देनी है, उसी को स्ट्रांग बनाना है, तभी हम कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम पवन मुक्तासन कर सकते हैं। तो पवन मुक्तासन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। योगा मैट तो सबके पास होगा, जब भी योग करें योगा मैट पे ही करें। सीधे लेट जाएंगे, अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, घुटने को अपनी ओर खींचेंगे, दस सेकंड का होल्ड करते हुए सांस को छोड़ते हुए पैर को छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए घुटने को खींचना है, सांस को होल्ड कुछ सेकंड के लिए एंड ब्रीथ आउट आराम से। इसी प्रतिक्रिया को हम कम से कम 10 से 15 बार इसको हमें करना है। इससे हमारी सारी मसल्स खिंचाती है और हमारी इम्यूनिटी इससे बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन कैसे करना है, खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों पैर को फैला लेना है, उसके बाद अपने राइट लेग के एंकल को ऐसे मोड़ देंगे, अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट सीधा करेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है ध्यान देते हुए। कोई भी पोस्चर हम अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही झुकना उठना सब करना है। ऊपर की ओर अपने पाम को देखना है, हथेली को देखेंगे, आपके थाई में स्ट्रेच पड़ेगा, सीधे सांस को छोड़ते हुए आराम से सामने, फिर दूसरे साइड डाउन, होल्ड, अप। त्रिकोणासन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, पैर को बंद कर लेंगे, दोनों पैर के बीच में 6 इंच का गैप होना चाहिए। चाहे हम वृक्षासन करें, ताड़ासन करें या फिर सूर्य नमस्कार करें, कोई भी अगर हम आसन करते हैं तो हमारे दोनों पैर के बीच में 6 इंच का गैप बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम लोग अब वृक्षासन करेंगे। अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, फील करेंगे कि हमारा पैर यानी कि पंजा वो पूरा ऊपर की ओर खींचा रहा है, हमारी सारी मसल्स ऊपर की ओर खींचा रही है। अपने खिंचाव को फील करिए, धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर भी नीचे आराम से। तो अभी हमने 3 तरीके के आसन सीखे, और आसन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, और ऐसे बहुत सारे प्राणायाम भी हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और शाम और बहुत सारी मुद्राएं भी हैं। लेकिन अभी हम एक प्राणायाम भी करेंगे जो कि अभी हमें रेगुलर करना है, अपने दिनचर्या में डालना ही डालना है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, और कैसे ये प्राणायाम किया जाता है इसे भी गौर से देखते हैं। सारे लोग सुखासन में बैठ जाइए आराम से। सुखासन जिसको हम बोलते हैं आलती पालती मार के बैठना, आलती पालती मार के बैठ जाना है, आराम से बैठ जाइए। अपने राइट हैंड
इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने ज्ञान चक्र से, यानी कि जहां हम बिंदी लगाते हैं, थंब से अपने एक साइड के नाक को बंद कर देना है, दूसरे साइड के नाक से सांस को खींचना है, पूरे सांस को भर लेना है, रिंग फिंगर से नाक को बंद करेंगे, 10 सेकेंड तक सांस को होल्ड रखना है, आफ्टर 10 सेकेंड थंब को हटाएंगे और सांस को छोड़ेंगे पूरा पेट अंदर। ध्यान रखेंगे जब सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। दस बार इस हाथ से और 10 बार अपने लेफ्ट हैंड से। अभी मैं सिर्फ दो दो बार कर रही हूं, आप लोगों को 10 टाइम करना है। कोई भी प्राणायाम या कोई भी आसन जब हम एक को खत्म करते हैं, जैसे पवन मुक्त आसन किए, एक बार कर लिए, उसके बाद 10 टू 15 सेकेंड आपको आँख बंद करके रिलैक्स में रहना। ये नहीं कि आप लगातार आसन प्राणायाम किए जा रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। किसी भी आसन को करने के बाद आप 15 सेकेंड का एकदम आराम से, जिसको हम शवासन बोलते हैं, आराम से लेट जाइए या बैठे रहिए आंख बंद करके, उसके बाद कुछ और स्टार्ट कीजिए। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि कोई सोचता है कि मैंने योगा कर लिया, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो जाएगी, बट एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन करने से कोई भी चीज़ कभी ठीक नहीं होती है, जब तक आप उसको रेगुलर अपने दिनचर्या में नहीं डालते हैं। कम से कम आप सुबह उठकर 20 मिनट अपने जीवन को दीजिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, आप उसके लिए 20 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर प्राणायाम कीजिए, तभी कोई चीज़ आपकी ठीक हो सकती है, वरना ठीक नहीं हो सकती। और अगर मेरी बात मानिए तो मैं तो बोलूँगी दिन भर में कम से कम 2 बार एक्सरसाइज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग मिलेंगे। आप लोग को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।